हेलो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं हाइड्रोलिक्स का सेकंड चैप्टर। ओपी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर टू का नाम समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर टू का नाम हाइड्रोस्टेटिक्स है। अब हाइड्रोस्टेटिक्स का मतलब क्या होता है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर एट रेस्ट, दैट्स इट। हाइड्रो मतलब वाटर होता है। जब वाटर रेस्ट कंडीशन में होता है और उसने जब किसी सरफेस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो उस स्टडी को हाइड्रोस्टेटिक्स बोलते हैं, दैट्स इट। जैसे कि आपने वाटर को डैम में स्टोर करके रखा है, तो डैम के ऊपर वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा, उसका स्टडी मतलब हाइड्रोस्टेटिक्स। किसी वाटर टैंक में आपने पानी भर के रखा है और वो भरा हुआ पानी साइड वॉल जो होते हैं टैंक के, उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसका स्टडी मतलब हाइड्रोस्टेटिक्स होता है। इतना सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। समर 18 के एग्जाम में डेफिनेशन पूछा गया था, डिफाइन प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसका मेजरिंग यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, नहीं तो दूसरा यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट्स इट अबाउट प्रेशर। अब प्रेशर के बाद हम प्रेशर हेड को जान लेते हैं। जो प्रेशर हेड है, हमने मैनोमीटर के जो टॉपिक्स थे उसमें पढ़ा है हमेशा HA-HB, वो प्रेशर हेड क्या होता है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, दैट्स इट। जब हम मैनोमीटर निकालते थे ऐसा, है ना, तो ये डाटम होता था, तो रेफरेंस लिक्विड किसी एक साइड ऐसा बढ़ता था, तो ये जो राइज होता था हाइट लिक्विड का, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। क्योंकि प्रेशर आने के कारण उसका लिक्विड का हेड कितना बढ़ा, वही होता है अपना प्रेशर हेड। वो मीटर में मेजर किया जाता है, दैट्स इट। इसको रफ कर देता हूं। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन फ्लूइड। कोई ऐसा वाटर स्टोर करके रखा है और उसमें ना एक ऑब्जेक्ट डाल दिया है, यहाँ पे आपको रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, ये कैसे निकाला जाता है? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, y बार इसका सीजी का डिस्टेंस है बिलो द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से अगर नीचे देखोगे तो इसका सीजी पॉइंट मतलब जहां पे प्रेशर एक्ट होगा वो कितना है, y बार जितना है। तो इस पे अगर आपको वाटर प्रेशर चाहिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है ओमेगा एल इंटू वाई बार इंटू ए, दैट्स इट। ओमेगा एल मतलब जो भी यहाँ पे लिक्विड रहेगा उसका यूनिट वेट, फिर उसके बाद वाई बार मतलब जो भी आप बॉडी इमर्स करोगे वाटर वाटर के अंदर, या किसी भी पॉइंट पे आपको प्रेशर चाहिए, तो उस बॉडी के सीजी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाटर सरफेस, वाई बार। और ए मतलब सिंपल जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया, दैट्स इट। तो कुल मिला के इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करके आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहीं पे भी निकाल सकते हो। इतना इजी है, फॉर्मूले को समझ लो। अब मैं आपसे एक पते की बात बोल दूंगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना। अगर ये वाई बार बढ़ा मतलब ऑब्जेक्ट जैसा जैसा वाटर में नीचे जाएगा तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, वाटर डेप्थ बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रेशर डायग्राम में यूज होगा, वो बताऊंगा। अब अपना नेक्स्ट प्रेशर डायग्राम ही कॉन्सेप्ट है। अब प्रेशर डायग्राम मतलब क्या? कोई भी लिक्विड अगर आप किसी टैंक में स्टोर करके रखते हो, तो उस टैंक के सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसका एक डायग्राम बनता है। क्या बनता है? डायग्राम। अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहूं, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस पे प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट्स इट। बहुत ईजी है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने एक टैंक लिया है जिसमें वाटर भर के रखा है, तो यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है ये प्रेशर एट द बॉटम है, मतलब इसके बॉटम पे कैसे प्रेशर अप्लाई होगा उसका डायग्राम है।
साइड में देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर एट द राइट साइड, जो साइड वॉल्स होते हैं उस पे प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, इसका डायग्राम है। अब ये डायग्राम समझने से पहले आपको एक बात बता दूं, सरफेस पे जो भी वाटर प्रेशर रहेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा इंक्लाइन बिल्कुल नहीं रहेगा। हमेशा जो प्रेशर कंपोनेंट होते हैं सरफेस को परपेंडिकुलर ही अप्लाई होंगे। ये हो सकता है आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाए या इंटरव्यू में पूछा जाए, पूछते हैं ऐसे सवाल, लॉजिकल होता है, आपको बताना आना चाहिए। डन, आइए इधर। अब देखिए जो बॉटम होता है इसका टैंक का, वो क्या होता है, हर जगह पे वाटर का जो डेप्थ होता है सेम ही होता है। अगर कोई आपने पॉट ले लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर जो बॉटम है, बॉटम के ऊपर हर जगह पे हाइट सेम ही होगा ना, तो जो बॉटम है बॉटम पे सब जगह पे एक जैसा ही प्रेशर अप्लाई होगा। इसके लिए हर जगह पे सेम हाइट के एरोस दिख रहे हैं, ये प्रेशर कंपोनेंट्स है। ये देखिए, इसको मैं प्रेशर कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, ये भी प्रेशर कंपोनेंट कंसिडर करो तो 5। तो ये P1, P2, P3, P4, 5, P5 सेम है, क्योंकि उसके ऊपर जो लिक्विड की हाइट है सेम है। और यहाँ पे हमने कहा था कि जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, बट यहाँ पे तो सब सेम लेवल पे है, इसके लिए ये डायग्राम में प्रेशर इंटेंसिटी सब पे सेम दिख रही है। तो ये हुआ प्रेशर एट द रेट बॉटम। अब ये प्रेशर कैसे निकाला जाता है, तो वाटर का या जो भी लिक्विड रहेगा उसका यूनिट वेट इनटू कितनी हाइट तक है, तो ये बॉटम का आपको प्रेशर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम की जो साइड पे है। अब साइड वॉल्स पे कैसे प्रेशर होगा, देखिए सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे वाई बार की वैल्यू सरफेस पे बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि जस्ट वो स्टार्ट हो रहा है ना वहां पे। तो इसके लिए प्रेशर जो है सरफेस पे मैंने जीरो दिखाया। अब जैसे जैसे आप वाटर डेप्थ में जाने लगोगे तो एरो थोड़ा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, मतलब जैसे जैसे बॉटम की तरफ जाओगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साइड वॉल्स का प्रेशर दिखाने के लिए एक ट्रायंगुलर डायग्राम बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पे भी समझ सकते हो, टॉप पे कम नीचे नीचे जाओगे तो बढ़ रहा है प्रेशर, दैट्स इट। और यहाँ पे ये प्रेशर देखिए कैसे निकाला जाता है, ओमेगा इंटू एच, ओमेगा तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ओमेगा मतलब लिक्विड जो भी है आपका उसका यूनिट वेट इंटू, यहाँ पे हाइट मान लो 1 मीटर है, ओमेगा इंटू 1, यहाँ पे हाइट बढ़ गई 2 हो गई, तो ओमेगा इंटू 2, तो ये एरोज बढ़ते जाएंगे ऐसा, मतलब प्रेशर बढ़ता जाएगा, दैट्स इट। ये हुआ अपना प्रेशर डायग्राम ऑन साइड वॉल्स ऑफ टैंक। ये बहुत काम आएगा, इसको कॉन्सेप्चुअली समझो तभी अच्छे से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये देख रहे हो ये सब चीजें। अब यहाँ पे एक जो दिख रहा है आपको डॉट और वहां पे पीएस लिखा है, तो ये जो है ये पॉइंट है जहां पे टोटल प्रेशर अप्लाई होता है, और टोटल प्रेशर कहाँ पे अप्लाई होता है, सीजी पॉइंट पे। तो ये सीजी पॉइंट है और ये टोटल प्रेशर है, दैट्स इट। और ये टोटल प्रेशर का पॉइंट बॉटम से कितना ऊपर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये ऊपर कितना होता है, 1/3 ऑफ हाइट कितनी है, इनटू एच, दैट्स इट। ये हुआ आपका प्रेशर डायग्राम। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो हमने यहाँ पे समझा वही मैंने लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस। तो प्रेशर डायग्राम का यूज करके आप इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे। आपको यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है, बस निकाल सकते हो। क्या करना है, ओमेगा इंटू हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, मल्टीप्लाई करो, प्रेशर इंटेंसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा। अब दूसरी बात, प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ, पहले ही बात कर चुके थे हम कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरी चीज, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एरिया प्रेशर डायग्राम इंटू एल, मतलब क्या, ये जो प्रेशर डायग्राम बनेगा
इसका एरिया निकालो और उसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो टोटल प्रेशर यानी ये टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो जब सम सॉल्व करोगे तो ये बात पक्का याद रखना कि एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम मतलब ट्रायंगल जो भी बनेगा, लिक्विड का हाइट दिया रहेगा, बेस पता रहेगा, तो हाइट और बेस के हिसाब से एरिया निकालो। एरिया निकालने के बाद उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करो, आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। इतना ईजी है, देखिए कितना ईजी है। बस टिके रहिए वीडियो के अंत तक, आपका प्रेशर डायग्राम का कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं, ऐसा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यूजेस पे चलते हैं, यूजेस ऑफ प्रेशर डायग्राम, लास्ट पार्ट है इस लेक्चर का। अब यूज क्या होता है वही अगेन मैं कहूंगा, डिटरमाइन प्रेशर एट रेट एनी पॉइंट, जो यहाँ पे कहा था किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर डायग्राम की सहायता से प्रेशर निकाल सकते हो। दूसरा, लोकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, हमें पता चल जाता है कि टोटल प्रेशर कहाँ पे अप्लाई होने वाला है, है ना। किसी भी टैंक में ये बहुत जरूरी होता है, कभी टैंक का डिजाइन करोगे ना तो आपको हाइट विड्थ लेंथ सब पता होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब इसमें हम वाटर भरेंगे तो कौन से पॉइंट पे प्रेशर एक्ट होगा टोटल प्रेशर, तो उस पोर्शन को थोड़ा मजबूत बनाया जाए, ठीक है, डिजाइन में काम आता है ये। तीसरी चीज, प्रेशर ड्यू टू 1, 2, 3 लिक्विड्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब हो सकता है कि टैंक में पहले ऑयल भरा हो, फिर उसके बाद कोई मर्क्यूरी हो, फिर वाटर हो, ऐसे 2-3 लिक्विड, तो लेयर वाइज वो जमा हो जाएंगे, तो उनके कारण भी जो प्रेशर अप्लाई होगा साइड वॉल्स पे, साइड वॉल्स पे एक लेयर में मर्क्यूरी है, दूसरे में ऑयल है, तीसरे में वाटर है, तो ये जो तीनों के कारण साइड वॉल पे प्रेशर अप्लाई होगा वो भी निकाल सकते हैं यूजिंग प्रेशर डायग्राम। फोर्थ की बात करूं तो टोटल प्रेशर एंड इट्स डायरेक्शन, तो ये कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर निकाल सकते हो, उसके साथ साथ उस प्रेशर का डायरेक्शन क्या होगा ये भी निकाल सकते हो। तो इतना ईजी और शानदार कॉन्सेप्ट है ये प्रेशर डायग्राम का, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की सोच रख के पढ़ो तो ये कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ डाउट रहेंगे, कमेंट सेक्शन आपका है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बता दो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।